हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई है। मैं आज रात की फ्लाइट से इटली जा रहा हूँ, जहाँ कि मैं कल परसों अपना शिप ज्वाइन कर लूँगा कैटानिया में। तो उससे पहले मैं मुंबई आया हूँ। मुंबई से मेरी फ़्लाइट है, तो मैंने मुंबई में इबिस होटल में रुका हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा होटल का रूम कैसा है और इसका क्या बजट है वगैरह वगैरह, कैसा ये दिखता है और एयरपोर्ट से कितना दूर है। चलिए आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ओवरऑल ये रूम ऐसा है, मैंने यहाँ पे क्वीन साइज़ बेड लिया है और ये मेरा बेड है। इसके पीछे वॉलपेपर है। काफ़ी अच्छा रूम है, छोटा है, कोजी है। इसके साथ मुझे यहाँ पे चेयर भी मिली है, टेबल और चेयर बैठने के लिए। फ़ोन है। बाहर का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। एक खाली सामने की बिल्डिंग है। इस एरिया में ज़्यादातर जो हैं वो पूरे होटल्स हैं, क्योंकि एयरपोर्ट के पास में है तो यहाँ पे होटल बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे अच्छी लगी, इनका वॉलपेपर काफ़ी अच्छा वॉलपेपर है, जो इंडियन आर्किटेक्चर को डिस्क्राइब करता है। और पीछे ये लाइट, और यहाँ पे एक टीवी भी है विद टाटा स्काई कनेक्शन। और ये मुझे इन्होंने पानी की बॉटल्स दी हैं। यहाँ पे मैं इसमें अपनी चाय वगैरह बना सकता हूँ। टी सैशे और कॉफ़ी सैशे आप देख सकते हैं यहाँ पे पड़े। एक मिनी बार फ्रिज भी है, जो कि खाली है, जिसके लिए मैंने ऑप्ट नहीं किया था। अगर आप ऑप्ट करते हैं कि मुझे मिनी बार चाहिए है, तो आपको मिलेगा। कबर्ड है, जिसमें आप अपने कपड़े रख सकते हैं। मेरी तो आज रात में 2 बजे की फ़्लाइट है, तो मैं अपना कोई भी लगेज खोलूँगा नहीं। लेकिन काफ़ी स्पेशियस ड्रॉर्स हैं, वॉर्ड्रॉब्स हैं। यहाँ पे एक छोटा सेफ भी है, जिसमें अगर आप ज़्यादा दिन के लिए स्टे कर रहे हैं और कुछ आपको रखना हो तो आप रख सकते हैं। मेरा लगेज तो ये है, ये रखा हुआ है और ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मैं इसको खोलने वाला नहीं हूँ। और ये एक डोर है, जो कि आई थिंक ये शेयर्ड डोर है दो रूम्स का, पर ये लॉक है उस तरफ से भी इस तरफ से भी। ये फुल साइज़ मिरर है, जिसमें कि आप अपने आप को देख सकते हैं। मैं अभी ट्रेन से ट्रैवल करके आया हूँ, तो ऐसा ही दिख रहा हूँ। और बहुत अच्छा ये, अगर देखें तो एक बहुत अच्छा वॉशरूम के लिए इन्होंने बहुत अच्छा ये एक एरिया बनाया है, गोल एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये है इनका वॉशरूम, काफ़ी स्पेशियस है। ये मिरर है, ये हैंड वॉश है, और यहाँ पे इन्होंने ये सोप डिस्पेंसर दे दिए हैं। और शावर, ये शावरिंग एरिया है, और यहाँ पे भी शावर जेल और शैम्पू वगैरह है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत कोजी है। 3 स्टार प्रॉपर्टी है। इसका रेट मुझे कुछ 6,100 रुपीज़ आया है। मैंने booking.com पे बुक किया था। डायरेक्टली आप करते हैं तो आपको थोड़ा महंगा पड़ता है, 7,000 के कुछ आसपास पड़ता है, पर ठीक है, बिल्कुल एयरपोर्ट से पास में है। विद इन 3 किलोमीटर्स ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और विद इन 1 किलोमीटर ऑफ डोमेस्टिक एयरपोर्ट। मेरे लिए काफ़ी कन्वीनियंट था, क्योंकि मुंबई में आप कहीं और होटल लेते हो, यहाँ पे सब होटल का रेंज इतना ही था, मैंने चेक किया था। मुंबई में कहीं और आप होटल लेते हो तो आपको ट्रैवलिंग का उतना पैसा देना पड़ जाता है, टैक्सी वगैरह का। तो मेरे लिए काफ़ी कन्वीनियंट है, मैं यहाँ से टैक्सी लेके रात में 10-10:30 बजे निकल जाऊँगा, विद इन हाफ एन आवर पहुँच जाऊँगा, फिर एयरपोर्ट की जो फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो करूँगा। तो ओवरऑल देखने में काफ़ी अच्छा रूम है। अगर आप आ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि होटल इबिस बुक करें, और जो कि एयरपोर्ट से बहुत पास में है। तो चलिए आज के लिए इतना ही इस ब्लॉग के लिए। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और आगे आने वाले ऐसी ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू।